कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। आई एम इमी डोगरा, सरसोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आप लोगों के साथ उस पर्सनल स्पेस के बारे में बात करने वाली हूँ। उस स्पेस पे हम अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। उस पर्सनल स्पेस पे हम सुख दुख, जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वहीं बैठ के डिस्कस करते हैं। जी हाँ, उस पर्सनल स्पेस का नाम है बेडरूम। आज मैं आप लोगों को बेडरूम के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको किचन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। आपको लास्ट टाइम में बताना भूल गई थी कि मैं जो ये एपिसोड बना रही हूँ, आज ये सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड मेरा किचन का था, तो इसलिए मैं वास्तु के बारे में सीरीज ये लॉन्च की है। फर्स्ट हो चुकी है, ये सेकंड है। ये 3-4 एपिसोड इसके होंगे। इसके बारे में आप लोगों को, वास्तु के बारे में आपको कौन सी चीजें कहाँ रखनी है और आपका बेडरूम, बाथरूम, गेस्ट रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके बारे में आपको सब इन्फॉर्मेशन दूंगी। कई बार हम अपने काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना 100% एफर्ट्स देते हैं, लेकिन वो काम होते होते नहीं हो पाता है। चाहे आपके प्रमोशन की बात हो, आपके सक्सेसफुल होने की बात हो, या अच्छे मार्क्स की बात हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब जैसे काम आपका, आपको लग रहा है कि पूरा हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि वो काम आपका रुक जाता है और नहीं हो पाता है। इसका डायरेक्ट संबंध आपकी नींद से भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी नींद भी हो सकती है, क्योंकि अगर नींद अच्छी नहीं होगी तो आपकी एनर्जी भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए नींद का विशेष आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आपका वास्तु का डायरेक्शन जो बेडरूम का है वो ठीक ना हो। इसलिए आप एक बार अपने घर के वास्तु किसी अच्छे एक्सपर्ट को दिखा लीजिए, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो प्रॉब्लम ना हो। ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बच्चों के बेडरूम के लिए बहुत अच्छी स्पेस है। यहाँ आपको बच्चों का बेडरूम बनाना चाहिए। इससे बच्चों की इंटेलिजेंसी बढ़ती है और उन्हें सक्सेस होने में काफी हेल्प मिल जाती है। मास्टर बेडरूम कभी भी मैरिड कपल यूज करें, वो डायरेक्शन मैरिड कपल के लिए बहुत अच्छी है। वो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। मैरिड कपल का बेड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। हेड उनका कभी भी साउथ या ईस्ट में होने चाहिए। इससे रिलेशंस में काफी बॉन्डिंग्स होती है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, उनके रिलेशंस आगे जाके बहुत अच्छे होते हैं। और आपको ये भी एक बात बोलना चाहूंगी कि बेड के सामने एकदम अपोजिट में मिरर कभी नहीं होना चाहिए। अगर किसी रीजन से आप वहां से मिरर हटा नहीं सकते, मिरर आपको वहीं रखना है, तो रात को सोते वक्त उस मिरर पे कुछ कपड़ा डाल दीजिए या उसको कवर कर दीजिए, लेकिन डायरेक्ट मिरर का रिफ्लेक्शन बेड पर नहीं होना चाहिए। इससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनकी मैरिड लाइफ। साउथ वेस्ट डायरेक्शन प्रॉस्पेरिटी और गुड लक लेकर आता है। दिस स्पेस इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर द ओनर। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, बेडरूम की साउथ ईस्ट डायरेक्शन हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस काफी स्पॉइल करता है। ये डायरेक्शन बेडरूम के लिए ठीक नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। इस डायरेक्शन में बेड होने से काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आए दिन उनमें झगड़े होते हैं। एक दूसरे को दूसरे के सामने नीचा दिखाना ये काफी देखा गया है, इसलिए ये डायरेक्शन जितना हो सके अवॉइड करें। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, इसलिए वो भी डायरेक्शन आप अवॉइड करें। नॉर्थ डायरेक्शन, यस, नॉर्थ डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर द बेडरूम। मैरिड कपल के बेडरूम में हमेशा मैट्रेस सिंगल फॉर्म में होनी चाहिए। सिंगल यानी जैसे डबल बेड है तो उसके ऊपर सिंगल ही मैट्रेस आनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आपने सिंगल सिंगल बेड का मैट्रेस वहां डाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और वुडन का ही आपका बेड होना चाहिए, आप मेटल में बेड बिल्कुल मत रखिए। मेटल का बेड रखने से नेगेटिविटी ज्यादा स्प्रेड होगी और वहाँ नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। और बेडरूम में हमेशा अच्छी खुशबू होनी चाहिए, जैसे वहाँ का वातावरण आपको, जैसे बेडरूम में आपने एंट्री की और आपको वहाँ अंदर आते ही फ्रेश महसूस हो, क्योंकि अच्छी खुशबू सभी को अट्रैक्ट करती है। इस डायरेक्शन में आप बाम्बू का छोटा प्लांट रख सकते हैं, इससे आपको संबंध में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बेडरूम की वॉल हमेशा लाइट शेड में रखिए, एकदम भड़का हुआ रेड कलर, ऑरेंज कलर इस फॉर्म में मत रखिए। उस फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन जैसे लाइट पिंक, लाइट सब लाइट शेड्स में हो, ताकि वहाँ का क्लाइमेट और जैसे बेडरूम में कैसे होता है वैसे आपको अच्छा लगे। अब मैं आपको बताऊंगी उन बातों को, जिन बातों को आपको बेडरूम में अवॉइड करना है। मरे हुए लोगों की फोटो फ्रेम कभी भी बेडरूम में ना रखें, और बेडरूम में मंदिर भी नहीं होना चाहिए। और बेडरूम के आसपास कोना
कभी कभी काफी कोने गंदे होते हैं, हम उसकी सफाई की तरफ ध्यान नहीं रखते हैं। वो कोनों को विशेष आप ध्यान रखिए और वहाँ पर क्लीननेस रखें। और बेडरूम में यदि बेड के पीछे की विंडो ओपन रखते हैं तो भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। बेडरूम में हमेशा वो बेड के पीछे वाली विंडो बंद रखें और हफ्ते में दो बार बेडरूम में नमक का पोछा लगाएं। इससे काफी आपको पॉजिटिव वहाँ के एटमॉस्फेयर लगेगा। और यदि आपके बेडरूम में अटैच बाथरूम है, खास आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से स्मेल ना आती हो और हमेशा क्लीन रखिए, क्योंकि जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं वो टॉयलेट और बाथरूम से ही आते हैं। इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। बेडरूम में टूटी हुई चीजें अवॉइड करें। यदि आपने बेडरूम में वास रखा हुआ है, काफी एक्सपेंसिव है, उसमें जैसे कॉर्नर उसका टूटा हुआ है, उसमें क्रैक्स आए हुए हैं, तो जितना हो सके उस वास को बाहर निकाल देंगे ज्यादा अच्छा है। आपने काफी महंगा खरीदा होगा लेकिन आपके रिलेशन से इम्पोर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि उससे काफी नेगेटिविटी आपके बेडरूम में आ सकती है। इस बात का खास ध्यान रखें। बेड के ऊपर डायरेक्ट गोल छत नहीं होनी चाहिए, ना ही उसके ऊपर मिरर होना चाहिए। आजकल कितने बेडरूम्स मैंने ऐसे देखे हैं कि काफी मिरर्स होते हैं, हर जगह से रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि वैसे सब कांच वाले हर जगह मिरर है बेडरूम में, वो अवॉइड कीजिए। बाथरूम में और बेडरूम में हमेशा एक कांच के बाउल में समुद्री नमक डालकर रखिए। इससे जो भी वहाँ की नेगेटिविटी है वो नमक एब्जॉर्ब कर लेगा और उस नमक को आपको हर हफ्ते चेंज करना है, ये इसका खास ध्यान रखिए। अभी हम चलते हैं प्लांट की तरफ। बेडरूम में प्लांट आप लिली के प्लांट, लवेंडर प्लांट, मनी प्लांट, बैम्बू प्लांट, ये सब आप रख सकते हैं। इसे रखने से रिश्तों में हारमोनी और पीस आती है। यदि आपको पेंटिंग फॉर्म में पसंद है, कि आपको पेंटिंग का काफी शौक है, तो आप कभी भी पेंटिंग फ्लावर्स की लगा सकते हैं। और मेन मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की फोटो, हॉलीडे की फोटो लगाइए, ना कि मैरिड की। जितना नहीं लगाएंगे उतना अच्छा है, हॉलीडेज की लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। हॉलीडेज में जैसे आप कहीं घूमने गए हैं, लेकिन फेस आप दोनों का एक दूसरे को देखते हुए होना चाहिए, बॉडी एक दूसरे को टच होनी चाहिए, उसमें एक वार्म फीलिंग हो। और जैसे ही आप कमरे में एंटर करें उस फोटो को देख के आपको खुद को एक वार्म फीलिंग हो, इसलिए हॉलीडेज की पिक्चर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। यदि आपको आर्ट चीजें पसंद है, आर्ट की काफी चीजें आपको पसंद है, तो आपको क्या करना है, कभी भी चीजें, जो भी पेंटिंग आप लेकर आए हो, आर्ट की चीजें लेकर आए हो, वो कपल्स में रखिए, जोड़ी में रखिए। जैसे राधा कृष्ण की हो गई, लव बर्ड्स की हो गई, मोर की हो गई, वो कभी भी जोड़ी में रखिए, या तो हंस की हो गई, ये सिंगल फॉर्म में आपको नहीं रखना है। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कभी भी वाइफ को हस्बैंड के लेफ्ट साइड होना चाहिए, इसलिए उनके दोनों रिलेशंस में, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस में बाउंडेशन होगी, एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार होगा और उनकी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्मूथली जाएगी। और बेडरूम में कभी भी वाटर फाउंटेन, फिश टैंक नहीं होना चाहिए, ये चीजें अवॉइड करें। और जो मैरिड कपल है जिनका बेडरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, उन्हें कंसीव होने में काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या मिसकैरेज भी हो सकता है, तो वो डायरेक्शन अवॉइड करें। यदि कंसीव हो गया, कंसीव होने के बाद बेडरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अवॉइड करें, क्योंकि वो डायरेक्शन गर्मी की है। जो चीजें बेडरूम के पीस को खत्म करें उन चीजों को बेडरूम में अवॉइड करें, जैसे टीवी हो गई, कंप्यूटर हो गया, जितना हो सके बेडरूम में अवॉइड कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसे में आप क्या कीजिए कि बेड के पास में कंप्यूटर या टीवी मत रखिए, थोड़ी दूरी पर रखिए। और रात को सोते समय टीवी और कंप्यूटर का रिफ्लेक्शन बेड पे नहीं आना चाहिए, इसलिए उसे किसी कपड़े से कवर करके रखिए। और बेडरूम के फर्नीचर ज्यादा डार्क कलर में मत कीजिए, फर्नीचर भी लाइट में कीजिए। और बेडरूम में एक्चुअली एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, एकदम सुगंधित होना चाहिए, कि आपका मूड वहाँ के एकदम फ्रेश हो जाए, आप एकदम ताजगी महसूस करें। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, बेडरूम में हमेशा, आजकल तो मार्केट में काफी खुशबू वाले इन्फ्यूजेस डिफ्यूजेस मिलते हैं और खुशबू वाले कैंडल्स, अगरबत्ती काफी मिलती है, तो आप वो बेडरूम में हमेशा लगा कर रखिए, ताकि आपको वहाँ तरोताजा महसूस हो। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इस बातों को आप वास्तु के हिसाब से यूज कीजिए, आप खुद देखेंगे कि आपने की लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं। ये सब जो वास्तु के मैंने आपको बताए हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई में, उनके करियर के लिए भी काफी अच्छा है। इस वीडियो में जो भी मैंने आज आपको बताया है, वो आप अपनी जिंदगी में इस पे अमल करना स्टार्ट करें, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ काफी सरल हो गई है। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये मेरा सेकेंड एपिसोड है, अभी हम मिलेंगे थर्ड एपिसोड में, वो मैं आपको बताऊंगी किस टॉपिक पे अपना वीडियो होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप मेरे
मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में सेफ रहिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।